नमस्कार दोस्तों, आकाश प्रोडक्शन फॉर एग्रीकल्चर पर आपका स्वागत है। मेरा नाम आकाश बघेल। आज हम बात करेंगे स्वराज 800% ऐसी रेस महिंद्रा नोवो 655 डीआई इन दोनों ट्रैक्टर की तुलना करेंगे। तकनीक में दोनों ट्रैक्टर सक्षम है। स्वराज 800% एक प्रतिष्ठित ट्रैक्टर है जो अपनी ताकत और बनावट के लिए मशहूर है। स्वराज 800% में बहुत सारे सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे डायरेक्शन कंट्रोल वोल, मल्टी स्पीड फॉरवर्ड एंड रिवर्स पीक्यू, पावर स्टीयरिंग, डुअल क्लच। स्वराज 855 महत्वपूर्ण कार्यों में जैसे एमबी प्लाव, स्टोर रीपर मशीन, रोटावेटर, जेनसेट, कंप्रेसर, कंबाइन हार्वेस्टर जैसे कार्यों के लिए उपयुक्त है। बात करते हैं महिंद्रा नोवो 605 जीआई। महिंद्रा अर्जुन नोवो 605 जीआई 57 हॉर्सपावर का तकनीक रूप से उन्नत ट्रैक्टर है जो 40 कृषि इंप्लीमेंट संभाल सकता है, जैसे पडलिंग, कंबाइन हार्वेस्टर, लेजर लेवलर, स्टोर रीपर, कल्टीवेटर, रोटावेटर, एमबी प्लाव जैसे कार्यों के लिए उपयुक्त है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि किसी प्रकार की वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इनके इंजन के बारे में बात करते हैं। सिलेंडर, 3 सिलेंडर है स्वराज 855, 4 सिलेंडर है महिंद्रा नोवो 605। हॉर्स पावर कैटेगरी की बात करें तो 55 हॉर्स पावर है स्वराज 855 और वहीं 57 हॉर्स पावर है महिंद्रा नोवो 605। कैपेसिटी सीसी की बात करें तो 3308 सीसी स्वराज 855 और 3531 सीसी महिंद्रा नोवो 605। गियर बॉक्स की बात करें तो 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स स्वराज 855 में और 15 फॉरवर्ड प्लस 2 रिवर्स महिंद्रा नोवो 605 में। इंजन रेटेड आरपीएम की बात करें तो 2100 रेटेड आरपीएम स्वराज 855 और 2100 रेटेड आरपीएम महिंद्रा नोवो 605। एयर क्लीनर की बात करें तो 3 स्टेज ऑयल बाथ का एयर क्लीनर स्वराज 855 में और ड्राई एयर क्लीनर महिंद्रा नोवो 605 में। कूलिंग की बात करें तो वाटर कूलर स्वराज 855 और वाटर कूलर महिंद्रा नोवो 605। क्लच की बात करें तो दोनों ट्रैक्टर में डुअल क्लच हैं और स्टीयरिंग की बात करें दोनों पावर स्टीयरिंग, ब्रेक स्वराज 855 ने ऑयल इमर्ज डिस्क ब्रेक दिए हुए हैं और महिंद्रा नोवो 655 ने ऑयल इमर्ज मल्टी डिस्क ब्रेक दिए हुए हैं। लिफ्टिंग कैपेसिटी की बात करें तो स्वराज 855 ने 1500 केजी की लिफ्ट कैपेसिटी है और वहीं महिंद्रा नोवो 655 ने 2200 केजी की लिफ्ट कैपेसिटी है। पीक्यू पावर की बात करें तो 540 आरपीएम पर स्वराज 855, 540 आरपीएम पर महिंद्रा नोवो 605। फ्यूल टैंक 60 लीटर का फ्यूल टैंक स्वराज 855 में और 66 लीटर का महिंद्रा नोवो 605 में। फ्रंट टायर की बात करें 750 16 के फ्रंट टायर स्वराज 855 में और 750 16 के महिंद्रा नोवो 605 में। रियर टायर की बात करें 16 28 के स्वराज 855 में, 16 28 के महिंद्रा नोवो 605 में। टोटल वेट की बात करें तो 2020 केजी का टोटल वेट स्वराज 855 में, वहीं 2000 केजी का महिंद्रा नोवो 605 में। ओवरऑल लेंथ की बात करें तो 3420 mm स्वराज 855 की लंबाई है और 3560 mm महिंद्रा नोवो 605 की। व्हील बेस की बात करें तो दोनों टायरों के बीच की जो दूरी है वो है स्वराज 855 की 2050 mm और महिंद्रा नोवो 605 की 2060 mm। ग्राउंड क्लीयरेंस की बात करें तो 400 mm स्वराज 855 और 410 mm महिंद्रा नोवो 605। आशा है कि वीडियो देखकर आपको पर्याप्त जानकारी मिली होगी। अधिक जानकारी के लिए आप ट्रैक्टर जंक्शन वेबसाइट पर जा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला कंपेयर किस ट्रैक्टर का करें ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।